ऑलराइट, अगर आपके पास एक लो एंड पीसीआर लैपटॉप है और उसमें आप फ्री फायर खेलना चाहते हो अच्छे एफपीएस के साथ, ना ही उसमें कोई लैग हो, ना ही कोई शटरिंग हो, ना ही कोई ग्राफिक का आपने को इशू देखने को मिले, तो भैया तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा एमुलेटर लेके आया हूँ जो कि इसी लो एंड पीसीआर लैपटॉप के लिए काफी हाईली ऑप्टिमाइज है। ये एमुलेटर बोला जाए तो सिर्फ आपके लो एंड पीसीआर लैपटॉप को ही देख के क्रिएट किया गया है। एंड मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि इस एमुलेटर का आप इंस्टॉल करते हो और इसमें फ्री फायर प्ले करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी शटर लैग या कोई भी ग्राफिक्स इशू का देखने को नहीं मिलेगा। आपका फ्री फायर काफ़ी अच्छे एफपीएस के साथ यहाँ पर आपके लो एंड पीसीआर लैपटॉप पे चलेगा। दूसरी बात दोस्तों कि इस एमुलेटर का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको फ्री फायर इंस्टॉल करने का ज़रूरत ही नहीं है, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो भाई तुम कर क्या रहे हो। देखो दिवाली आ गया यार, एक लाइक एक आलू बम, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। आगे आप वीडियो देखो, मैं चला पार्क में रॉकेट उड़ाने। यहाँ पर दोस्तों आपको 500 MB के दो पार्ट डाउनलोड करने हैं। लास्ट का पार्ट रहेगा वो 100 MB का रहेगा। सिंपली आपको सभी पार्ट को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 7-Zip वेबिनार से, तो फटाफट से हाँ मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो बल्कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एमुलेटर है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल गेम इस एमुलेटर पर मिल जाता है। इसका मतलब गेम इंस्टॉल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एक फोल्डर मिल जाएगा SGNL करके, सिंपली आपको इसे ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपको इंजन पे आ जाना है, यहाँ पर नीचे करना है, यहाँ पर आपको लॉन्चर करके दिखेगा। सिंपली इसे आप सेंड टू डेस्कटॉप कर लें पहले, तो क्योंकि बार बार यार फोल्डर ओपन करने का झमेला नहीं। एंड यहाँ से इसे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। पर ये अनसपोर्टेड लॉन्चर 3 हैज बीन स्टॉप दिखाएगा, कोई ओके करना, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो कुछ आपका जो इम्युलेटर रहेगा कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा, ठीक है। सेटिंग पे आओगे, सेटिंग में जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। प्री सेट सेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो सिंपली आप इसे डायरेक्ट एक्स पे कर ले, ग्राफिक कार्ड नहीं है ओपन जीएल पे कर ले, बस आपको यही करना है। एंड सेव पे क्लिक करना है, अपना गेम जो है प्ले करना है। तो यहाँ पर आपको फ्री फायर में जैसे कहा आपको यहाँ पर फ्री फायर प्री इंस्टॉल मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर फ्री फायर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा गेम अपडेट होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 12 से 13 MB का आपको अपडेट करना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम इस एमुलेटर को इंस्टॉल करोगे और गेम को ओपन करोगे। देख सकते हैं यहां पर जो है हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। वर्जन जैसे आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो भाई आपको अपडेट का कोई टेंशन नहीं है। तो फटाफट से यहां पर आप फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं, जो भी आपका अगर आपका अकाउंट है जो आप लॉगिन हो सकते हैं। सिंपली मैं इसे यहां पर एज अ गेस्ट लॉगिन हो जाता हूं। तो बल्कि जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर आपने कोई भी लैगनेस या कोई भी ऐसा एरर देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपली हम सेटिंग्स में चलते हैं एंड यहाँ ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर अपने क्या ग्राफिक सेटिंग मिलता है। तो यहाँ मैं पहले बता दूँ, अगर आपके पास 2 GB रैम है या 3 GB रैम है तो प्लीज़ एज यूजली जैसा डिफॉल्ट सेट है, जैसे हमारा स्मूथ है, नॉर्मल है, ऑफ है, ऑटो स्केलिंग ऑफ करके रखना, बाकी जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई छेड़छाड़ मत करना। अल्ट्रा में तो कलर ही मत, मतलब गेम अति लैग करेगा, गेम चलेगा नहीं। तो फटाफट से हम इसे फुल स्क्रीन में करते हैं एंड फटाफट से एक मैच खेल के देखते हैं, देखते हैं हमारा गेम कैसा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई बटन काम नहीं कर रहा है। सिंपली आपको इस कीबोर्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इसे एक बार रीस्टोर कर लेना है, ठीक है। और ये एज ये नीचे वाले एज एन को अल्टरनेटिव कंट्रोल को यहाँ पर आप क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। एंड आप क्या करो, अपना कंट्रोल बटन रहो और आपका जो की मैपिंग है वो सभी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, वो काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है। एंड यहाँ पर अपने कोई भी लैग कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो बल्कि बस इस तरह अपने लो एंड पीसीआर लैपटॉप पे आप फ्री फायर खेल सकते हैं इस नए एमुलेटर के साथ। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले फ्री फायर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार, क्योंकि उनको भी पता चले कि यार एक नया एमुलेटर आया है, इसे हम ट्राई करें। तो मैं मिलता हूँ एक और नए ऐसे ही वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। गुजारिश करूँगा कि यार दिवाली आ रहा है, हैप्पी दिवाली, अच्छे से मनाना, ज़्यादा क्रैकर्स मत जलाना, बट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। बाय बाय।